মোহাম্মদ মুনিস লস্করক লৈ গৌৰৱান্বিত পটেনশিয়াল এডুকেশন গ্ৰুপ জি মেইনছত সুন্দৰ ফলাফলেৰে জিলিকি উঠিল পটেনশিয়াল এডুকেশন গ্ৰুপ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পটেনশিয়াল এণ্ড কনচেপ্ট এডুকেশন গ্ৰুপৰ। গুৱাহাটী পটেনশিয়াল এণ্ড কনচেপ্ট এডুকেশন গ্ৰুপ পুনৰবাৰ জিলিকি উঠিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ছাত্ৰ মোহাম্মদ মুনিস লস্কৰে সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে 99.96% সৈতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি 300 নম্বৰৰ ভিতৰত 280 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে মুনিস লস্কৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানত 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ লাভ কৰে। প্ৰতিষ্ঠানৰ আটাইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফলেৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ সুনাম কঢ়িয়ায়। শেষত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा जो लिगेसी है हमेशा टॉप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने का उसको हमने मेंटेन किया। जेईई मेन 2024 का पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का जो रिजल्ट रहा वो इस तरह से रहा कि हमारा यहाँ का स्टूडेंट टू ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट मोहम्मद मुनिस लस्कर उसका पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑल नॉर्थ ईस्ट रैंक 2 आया है और 300 मार्क्स का जेईई मेन का एग्जाम होता है जिसमें उसने 300 में से 280 मार्क्स उसने स्कोर किया है जिसमें फिजिक्स में 100 out of 100 marks स्कोर किया है, केमिस्ट्री में 100 out of 100 marks स्कोर किया है एंड मैथ में 80 out of 100 marks स्कोर किया है जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक कमांडेबल रिजल्ट है। और हमारा एक परंपरा रही है कि एवरी ईयर हम नीट या जेई में हमेशा रैंक 1 रैंक 2 प्रोड्यूस ही करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट ईयर भी शकील हुसैन ने नीट के अंदर पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट था और पूरा नॉर्थ ईस्ट रैंक 1 लेके आया वो। और अभी 2024 का एक गुड स्टार्टिंग हुआ है कि सबसे पहला रिजल्ट जेईई मेन का डिक्लेयर हुआ है जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट रैंक 2 लेके आए हैं। उसके बाद अभी जेईई एडवांस का एग्जाम होना बाकी है, नीट का एग्जाम होना बाकी है। तो वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर स्टूडेंट्स। मैं अपने जो अकेडमिक डायरेक्टर है डॉक्टर गांधी नायक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवरऑल रिजल्ट का एक समरी कि किस तरह का हमारा रिजल्ट रहा है, कितने बच्चे 99% के ऊपर स्कोर किए हैं वो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट कैलास कलितार सहयोगत रंजन हजरीकार रिपोर्ट टाइम 8। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত কেনে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? এইবাৰ জনতাই বিচাৰিছে কোনটো দলক? পুৱাৰ পৰা নিশালৈ কেনেকৈ চলাইছে নেতাই প্ৰচাৰ? 14টা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, নেতাৰ সৈতে 24 ঘণ্টা। পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।